किसानों के मुद्दे पर मुंबई स्टार कास्ट से मिलने पहुंचे मोहित शर्मा और पंकज श्रीवास्तव। 3 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन किया था, पदयात्रा तय की थी। उसके बाद जब देश में किसान लगातार 26 नवंबर से आज 39वां दिन है, फिर रूठी ठंड में खुले आसमान के नीचे आंदोलन कर रहे हैं और देश के तमाम जो सेलिब्रिटी जो भिन्न भिन्न मुद्दाओं पर लगातार बोलते थे, 7 साल से गूंगे बहरे की तरह चुप हैं, तो हम उन्हें भी जगाने का काम है कि उनकी आत्मीय संवेदना। आप अमिताभ बच्चन के घर पे आए हो, क्या आपकी वेदना? सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी, आपने देखा होगा जो अन्ना हजारे जी आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, अन्ना हजारे जी से भी हमने मिला था रालेगांव सिद्धी में। उन्होंने कहा कि ये कोयला की तरह काला कानून है, इसमें संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस तरीके से कोयला में सरफ साबुन सोडा लगाने से साफ नहीं होता, उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का अंतिम अनशन किसानों के सम्मान में होगा। हम उम्मीद करते हैं कि अमिताभ बच्चन जी जो सदी के महानायक हैं, पूरे हिंदुस्तान के आइकॉन हैं, वो भी किसानों के आंदोलन को समर्थन करेंगे। इसी समर्थन लेने के उद्देश्य से हम लोग उनके विचारों को जानने का, विचारों की आज़ादी है, अब वो अपनी अभिव्यक्ति, जो विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो अपने आप बोल सकते हैं कि समर्थन में है विपक्ष में है, ये उनकी स्वतंत्रता है। आप अमिताभ बच्चन जी के घर के आसपास हैं, पुलिस ने आपको किस तरह का सहयोग की बात कही, क्या कुछ कहा? पुलिस को हमने शनिवार को दिया था और उन्होंने भी कहा कि आप अभी कोविड के चक्कर में जा नहीं सकते, फिर उन्होंने भी बात की है और वो उन्होंने कहा है कि उनके अभी शूटिंग में व्यस्त हैं, जैसे ही वो आते हैं तो हम आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं, इसलिए हम लोग थाने में हैं। आपको क्या लगता है आज अमिताभ बच्चन जी से मुलाकात हो पाएगी आपकी? देखिए, आज नहीं होगी, जब भी होगी तभी हम वापस जाएंगे। अगर हम जिंदा हैं तो उनकी राय प्रतिक्रिया लेकर जाएंगे, मर गए तो कोई बात ही नहीं। और किन किन लोगों से आपने मिलने का प्रावधान? धर्मेंद्र, हेमा मालिन, शनि देवल, खास करके हेमा मालिन और शनि देवल से, जो किसानों के नाम पर गेहूं काटते हुए दिखती है, जो 2.5 किलो का हाथ पाकिस्तान जाके हैंडपंप उखाड़ने का ड्रामा करती है। और देखिए, सबसे बड़ी विडंबना क्या है, जो लोग देश में सरकार से सवाल पूछता है उसको लोग आतंकवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग, देशद्रोही कह देता है। इन सभी मुद्दों पर जो सेलिब्रिटी चुप है, अनुपम खेर जी से मिलूंगा, कंगना जी के अंगना में जाऊंगा, उनसे भी हम उनकी प्रतिक्रिया पूछूंगा कि आप जो डांस करती हैं, किसानों का आतंकवादी खालिस्तानी कहते हैं, अब तो डांस कीजिए किस हिसाब से आप कहते हैं, जिसने देश की आज़ादी में जब 121 लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा था उसमें 93 लोग सिख समुदाय से थे, जब 2600 लोगों ने उम्रकैद की सजा काटी थी उसमें 2100 लोग पंजाबी समुदाय के थे, आप कैसे किसी को कह सकते हैं किसानों को कि आतंकवादी है, खालिस्तानी है? लोग देश के तमाम सेलिब्रिटी जो नेता, अभिनेता से नेता बने हैं, उन तमाम लोगों को जगाने के लिए अमिताभ बच्चन जी को आपने देखा होगा, देश के तमाम मुद्दों पर वो अपनी राय रखते हैं, हर चीज़ पे अपनी राय रखते हैं। तो देश में लगभग अब तक 37 दिन हो गए हैं देश के किसान को बैठे, और उसमें 47 जो देश के किसान हैं वो अब तक शहीद हो चुके हैं। तो देश के किसान लगातार मरते जा रहे हैं, शहीद होते जा रहे हैं, उनको लेकर अमिताभ बच्चन जी की क्या राय? सर, आप कहाँ से आए? जी, मैं दिल्ली से आया हूँ, हमारे साथी बिहार से भी आए हैं, हम लोग तमाम जगह से आए हैं, सिर्फ अमिताभ बच्चन जी, सनी देओल, हेमा मालिनी और तमाम सेलिब्रिटियों से जानने के लिए कि क्या आपको लगता है कि वो जो देश का किसान वहाँ बैठा हुआ है वो भी आतंकवादी है, टेररिस्ट है, खालिस्तानी है? लगभग अब तक 47 देश के किसान शहीद हो चुके हैं, ठंड इतनी पड़ रही है कि एक और देश के प्रधानमंत्री जी ठंड में रजाई नहीं छोड़ रहे हैं, और दूसरी ओर देश का किसान लगातार दिल्ली बॉर्डर पर डटा हुआ है। तो देश के किसान की और देश के तमाम सेलिब्रिटियों का ध्यान आकर्षित कराने के लिए हम लोग दिल्ली से चलकर यहाँ महाराष्ट्र की सरजमी पे आए हैं। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।